अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछली भी लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको 3x3 की सेकंड लेयर सॉल्व करना सिखाई थी, और थर्ड लेयर भी मैंने इसलिए डाली क्योंकि मैंने कहा पहले आपको 2x2 सिखाएंगे तो 3x3 सिखाएंगे। तो आज हम लोग 2x2 की फर्स्ट लेयर सॉल्व करने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सीखनी आ जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियो देके आता रहूँगा। तो गाइज़, जो 2x2 को सॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा आसान, जिसको 2x2 आता है वो 3x3 भी कर लेगा, और 4x4, और आगे जितने भी अलग अलग क्यूब्स होते हैं उनके लिए बस आपको मेन बिगनर मेथड आना चाहिए, वो भी 2x2 और 3x3 का। आगे आप सारे कर सकते हैं। तो गाइस, फटाफट से हम लोग अपने क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह अपने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया, एक दफ़ा आप लोगों के सामने भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने अच्छी तरह से अपने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया। मेरे आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे स्क्रैम्बल कर रहा हूँ, लेकिन बस स्पीड थी। ओके गाइस, यहाँ पर मास स्क्रैम्बल क्यूब अच्छी तरह से स्क्रैम्बल हो चुका है। तो गाइस, जो फर्स्ट लेयर को जो आपने सबसे पहले देखा, आपने क्यूब देखना है, और आपने क्योंकि सबसे पहले हम व्हाइट को येलो को भी सॉल्व कर सकते हैं, व्हाइट को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले व्हाइट को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, आपने व्हाइट देखना कहाँ पर, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है व्हाइट, व्हाइट के साथ दो कौन से कलर, एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है। अब आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। अब आप चाहे ऑरेंज वाला इस साइड पर देख लें, ग्रीन वाला इस साइड पर देख लें। अब आपको इतना तो पता चल गया, आपको इतना पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर ग्रीन है तो हम इसके साथ ग्रीन लगाएंगे, ग्रीन के साथ जो रेड या रेड होगा, जो भी कलर होगा उसके साथ वो वाला, और फिर जो उसके साथ होगा उसको, जैसे ऑरेंज ऑरेंज के साथ यहाँ पे हमने जो सा कलर सही होगा वो हमने, जो मैच हो रहा होगा वो हमने लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला पीस देखा था, अब इस पीस में जो है इस तरफ और इस तरफ ग्रीन, अब हमें वो वाला पीस इसमें या तो ग्रीन है या तो ऑरेंज। जैसे अब आप देख सकते हैं ये वाला ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन, अगर हम इस ग्रीन को इधर लगा देंगे तो ये मैच हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है RUR'U'। इससे करने से आप अपना ये एच पीस जो लगा सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं हमने ग्रीन के साथ ग्रीन किया तो ये देखिए ये मैच हो गया, देखिए ग्रीन ग्रीन। आपको देख सकते हैं हमारे टू पीस जो है ये सॉल्व हो गए फर्स्ट लेयर के। 2x2 में यही तो फायदा, जल्दी से सॉल्व करते हो, क्योंकि होते हैं टोटल 4 पीस हैं, तो 4 होते हैं, तो इसी वजह से जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो अपने पीस लगा लिए हैं। अब आपने अगला पीस देखना ऑरेंज, ऑरेंज अब आपने यहाँ पे भी ऑरेंज आना चाहिए। अब आपने ऊपर वाली लेयर में देखना वाइट पीस का ऑरेंज इसके अंदर नहीं आ रहा, तो गाइस इसके अंदर ऑरेंज आ रहा। हमने सिंपल इसको RUR' करके निकाल लेना, उसके बाद इसको इसके ऊपर लाना जहाँ पे ऑरेंज आ रहा होगा, उसके साथ वाले पीस के ऊपर RUR'U' नहीं लगा, RUR'U' नहीं लगा, RUR'U' नहीं लगा, RUR'U' RUR'U'। तो गाइस, RUR' करने से जितनी मर्जी दफ़ा लगे, लेकिन लगेगा जरूर, आपने बस लगाई देना, कई दफ़ा पहली में, कई दफ़ा दूसरी में, कई दफ़ा तीसरी में, कई दफ़ा चौथी में, इस तरह लगाएंगे तो 6 दफ़ा करना होता, उसके बाद नहीं होता। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे 3 पीस जो फर्स्ट ईयर के बन गए। आखिरी पीस आपको ऐसे देखने से पता चल जाएगा, उससे इन दोनों के दरम्यान में देखे रेड इधर आ जाएगा, इसके साथ मैच हो जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा, इसके साथ मैच होगा, व्हाइट इधर आ जाएगा। तो RUR'U'। और गाइस, आप देख सकते हैं आप लोगों ने RUR' की मदद से कितनी आसानी से फर्स्ट ईयर बना लिया। और गाइस, ये फर्स्ट ईयर बनाना अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप 30 सेकेंड से भी कम है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो बहुत ज़्यादा आपकी 10 सेकेंड बन सकती है। गाइस, ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप वीडियो देख सकते हैं 4 मिनट की वीडियोज़, तो उसमें आप मैंने आपको वो भी ऐसे ऐसा करके बताया, तो आप लोगों को 4 मिनट मुझे आपको बताने में लगे। तो वैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो वैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा 2x2 सॉल्व करना सिखाऊं, और 3x3 के जो लास्ट है वो भी, उसकी वीडियो भी डालो, तो प्लीज़ फटाफट चैनल को आकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो गाइस मैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं इसके पूरे 2x2 को फर्स्ट और सेकंड दोनों को साथ, क्योंकि 2x2 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं दोनों लेयर को साथ करना आप लोगों को सिखाऊंगा, और 3x3 की भी कोशिश करूंगा, और आगे इस तरह क्यूब और 4x4 भी इंशाल्लाह, और आगे जितने भी होंगे सबकी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह मैं सपोर्ट करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।